हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। इस वीडियो में हम सीखेंगे हम विंडोज 7 में डाटा का बैकअप कैसे लेते हैं। यहाँ पे डाटा का बैकअप का ये पर्पज़ होता है कि अगर आपका डाटा बाय मिस्टेक डिलीट हो जाए तो हम उसको रिकवर कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास बैकअप डिवाइस होनी चाहिए, या फिर आप बैकअप पेन ड्राइव में भी ले सकते हैं। बैकअप डिवाइस वो होती हैं जिनमें कंपनी में बैकअप लिया जाता है। मैं जस्ट अभी दिखाता हूँ आपको बैकअप डिवाइस कौन सी होती हैं। यह देखिए बैकअप डिवाइस है ये, इसको ये अल्ट्रीम ड्राइव बोलते हैं इसको हम, और इसके अंदर जो कार्टेज लगती है वो इस टाइप की होती है। रियल लाइफ में कंपनी में इन्हीं डिवाइसेस के ऊपर बैकअप लिया जाता है जो कि सर्वर से अटैच होते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो आप घर पर पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं। तो बैकअप लेने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ डाटा राइड कर लेते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए एक फोल्डर बनाया है यहाँ पे, ये मैंने फोल्डर बना लिया है और इसके अंदर फाइल भी बना दी है। हम एक और फोल्डर बना देते हैं यहाँ पे, तो चलिए हमने सी ड्राइव का बैकअप लेना है और ई ड्राइव का, जो कि हम एफ ड्राइव में लेंगे। तो बैकअप लेने के स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में, मेंटेनेंस में, बैकअप एंड रिस्टोर। यहाँ पे सेटअप ए बैकअप है, फर्स्ट टाइम ऐसे दिखाएगा आपको। आप कंट्रोल पैनल से, सिस्टम सिक्योरिटी से बैकअप एंड रिस्टोर में भी आ सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको पाथ बताया। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट वेयर यू वांट टू सेव योर बैकअप, तो आप यहाँ पर पेन ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने वीडियो के हिसाब से एफ ड्राइव में डाटा सेव करूँगा, तो यहाँ पर मैं एफ ड्राइव सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पर ऑप्शन आ रही है लेट विंडोज चूज रिकमेंडेड और लेट मी चूज। यहाँ पर विंडोज़ अपने आप से सिलेक्ट करेगा और आपको ये सिलेक्ट करना है लेट मी चूज। यहाँ जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा बैकअप डाटा न्यूली क्रिएटेड यूज़र्स और या फिर एडमिनिस्ट्रेटर लाइब्रेरी। और एक और ऑप्शन है यहाँ पर, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो जो आपको फोल्डर्स लेने हैं। तो मैं अभी यहाँ पर ई ड्राइव में ये दोनों फोल्डर ले रहा हूँ। अगर आपको पूरा ई ड्राइव चाहिए हो तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो सारा आ जाएगा। और अगर आपका डाटा सी में है तो आप यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर डेस्कटॉप का डाटा है तो ये यूज़र्स में जो आपका, जैसे जो यूज़र नेम होता है, जैसे मेरा मान लीजिए OSR1 है, तो यहाँ क्लिक करूँगा तो ये मेरा डेस्कटॉप ये भी आ सकता है अगर लेना चाहें तो। या फिर आप डेस्कटॉप की फाइल किसी और ड्राइव में मूव कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है इंक्लूड सिस्टम इमेज और ऑफ ड्राइव। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेरे विंडोज़ 7 की एक पूरी इमेज तैयार हो जाएगी, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे। अभी आप देखिए मैंने ई ड्राइव में डाटा और टेस्ट फोल्डर नाम से ये दोनों फोल्डर बैकअप के लिए सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पर ऑप्शन आ गया है सेव सेटिंग एंड रन बैकअप। ये मेरा बैकअप स्टार्ट हो गया। यह देखिए मेरा बैकअप पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो
एफ ड्राइव में ये देखिए बैकअप की इमेज आ गई, मेरा पीसी नेम है OSR1 पीसी, और बैकअप जो हमने लिया था इसका लिया था ई ड्राइव का। अब हमको हम इसको चेक करने के लिए इसको डिलीट कर देते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट? तो हम इसको परमानेंट डिलीट कर देते हैं, रिसाइकल में रिसाइकल बिन में भी अब नहीं है ये। अब हम इसको रिकवर करना चाहते हैं, तो रिकवर करने का प्रोसेस जनरली हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा डाटा जो है लॉस हो गया हो। तो ये याद रखिएगा कि जिस ड्राइव में आपने बैकअप लिया है, चाहे वो पेन ड्राइव है चाहे वो USB ड्राइव है, आपको उसको संभाल के रखना है, क्योंकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डाटा की उसी ड्राइव में या फिर पेन ड्राइव में सेव है। तो जब हम उसको रिस्टोर करेंगे डाटा को, तो आपको पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क दोबारा से कनेक्ट करनी पड़ेगी। और हम इसके स्टेप स्टार्ट करते हैं रिकवर के। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम मेंटेनेंस बैकअप एंड रिस्टोर। तो हमें यहीं से ही बैकअप वापस रिस्टोर करना है। ये ऑप्शन आ रहा है रिस्टोर माय फाइल्स, ये ऑप्शन आ रहा है रिस्टोर माय फाइल्स। यहाँ पर आपको दिखा देगा कौन कौन सी फाइल्स आपको रिकवर करनी है, उसका पूरा पाथ आ जाएगा। हमें ई ड्राइव का बैकअप चाहिए, तो हम ई ड्राइव सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ब्राउज करना है जिसका डाटा हमें रिकवर करना है। ब्राउज फॉर फाइल है और ब्राउज फॉर फोल्डर है। हम ब्राउज फॉर फोल्डर पर क्लिक करेंगे। हमारा डाटा ई ड्राइव में सेव था, तो हम ई ड्राइव को सिलेक्ट करके इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे ओरिजिनल लोकेशन आ रहा है, यहाँ पे रिस्टोर कर देंगे। और अगर आप जाके देखें तो हमारा डाटा जो है रिस्टोर हो गया। अगर आप एक फोल्डर लाना चाहते हैं वापस, तो उसके लिए यही रिस्टोर माय फाइल में इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन। ऐड यह देखिए। तो इस वीडियो में हमने देखा हम विंडोज 7 में बैकअप कैसे लेते हैं और उसको रिस्टोर कैसे करते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करके मेरे और भी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप अपने ईमेल आईडी में रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू।